पिछले हफ्ते नागपुर के व्यापारी और नागपुर के मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स, ये जो लॉकडाउन चल रहा है और जाति चल रही सरकार की, उसके विरुद्ध में सरकार को जगाने के लिए सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण करके उसके तहत यहाँ एक भव्य पदयात्रा प्रोटेस्ट रैली निकाला था नागपुर में, और उसके बाद एक कार और बाइक रैली सरकार को जगाने के लिए दूसरे दिन निकाला था। उसके बाद हमने हल्ला बोल कार्यक्रम भी किया, आयोजन किया, जिसके अंदर 22 जनप्रतिनिधियों के साथ संघर्ष समिति के लोग मिले और उनको व्यापारियों की व्यथा बताई और मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स के प्रॉब्लम्स बताए। सब ने हमको ये फीडबैक दिया कि इसी वीक में, मतलब पिछले हफ्ते में ही कैबिनेट के में चर्चा करने के बाद उचित निर्णय लेके रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। उस रिलैक्सेशन का ऑर्डर का हम अभी तक वेट कर रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर माननीय राजेश तुपे जी ने भी पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि 25 डिस्ट्रिक्ट में रिलैक्सेशन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक के वो ऑर्डर आए नहीं है। ये जिस तरीके से सरकार की वर्किंग चल रही है और सरकार जिस तरीके से कैजुअल है ये इशू को लेके, उसके कारण व्यापारी बहुत ज़्यादा रोषित है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इसके लिए एक एक दिन जो है वो भारी पड़ रहा है और सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले रही है और ऑर्डर नहीं निकाल रही अनाउंस करने के बाद भी। तो व्यापारी पूरे तरीके से इस मंशा में है कि जो सरकार रिलीफ मेजर और रिलीफ पैकेज और कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दे रही है अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए और व्यापारियों के लिए, तो उनकी कब तक सुनेंगे हम और उनकी जाति कब तक सहेंगे। तो कहीं ना कहीं नागपुर में व्यापारी जो है असहकार आंदोलन की मंशा बना चुके हैं और तैयारी कर चुके हैं। आज हमारी मीटिंग संघर्ष समिति की होने वाली थी जिसमें आगे का निर्णय हम लेने वाले हैं, लेकिन ऐसी जानकारी अभी लेटेस्ट ये उपलब्ध हुई है कि आज सरकार ऑर्डर निकाल रही है, तो हम उस सरकार को वो समय भी देना चाहते हैं। 2 बजे हम तय करेंगे कि हमारी मीटिंग 4 बजे की जो प्लान है वो रहने वाली है कि नहीं। अगर कोई ऑर्डर नहीं आया तो हम हमारी प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे और 4 बजे मीटिंग लेके बुधवार का असहकार आंदोलन का हम शायद शुरुआत की घोषणा करते हैं। उसका स्वरूप ऐसा है कि जैसे 4 बजे तक के दुकानें और मार्केट प्लेस बंद करने का रिस्ट्रिक्शन है, तो हम एरिया वाइज उसको लेंगे। एक दिन जैसे सदर लेंगे, एक दिन सीताबर्डी लेंगे, एरिया वाइज उसको वो उस क्षेत्र में, उस मार्केट प्लेस में जितनी दुकानें, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल, जो भी मतलब वहाँ पे वर्क प्लेस है, वो सब हम हमारी मर्जी से 4 बजे के बियॉन्ड, हो सकता है 8 बजे तक, 9 बजे तक के उसको चालू रखेंगे। हम कोई सरकार की और शासन की प्रतिबद्धता फॉलो नहीं करेंगे।